वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा ये वाला वीडियो पूरा नहीं है क्योंकि मेरा बंडल डिलीट हो गया। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मेरा वो वाला और ये वाला दो दो सर्वाइवल सीरीज़ के वर्ल्ड डिलीट कर दिए मैंने। तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो फिर भी इस वीडियो को तो देखो भाई। मोहनलाल मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक गुड न्यूज़ है जो कि अपना वर्ल्ड हो चुका है 100 MB का कंप्लीट, लेकिन अपने सब्सक्राइबर अभी तक 45 भी नहीं हुए कंप्लीट। खैर जाने भी दो इन चीज़ों को, तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसा ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे जो कि मेरा कंप्लीट भी हो चुका है। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी काफ़ी सारी वुड की, तो इसके लिए मुझे चाहिए थी एक इफिशियंसी 5 की पिक एक्स जो कि मेरे पास नहीं थी। पहले तो मैंने ट्रेडर से लेने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इंचाइंटमेंट टेबल से जो कि मुझे इफिशियंसी 5 नहीं लेकिन इफिशियंसी 4 की पिकैक्स मिल गई, तो उससे मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 45 मिनट की वुड कटिंग के बाद मेरे पास थी इतनी सारी वुड और मेरी पिकैक्स की भी हालत बेकार थी, तो मैं XP फार्म की ओर निकल गया। XP फार्म गोल्ड फार्म की ओर निकल गया, वहाँ XP भी काफ़ी अच्छी मिल जाती, तो मेरी पिकैक्स भी रिपेयर हो जाएगी मेंडिंग लगाने के बाद। और फिर मैंने एक छोटा सा कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया और इसमें 15 मिनट की ग्राइंडिंग के बाद मेरे पास फुल एक सल्कर बॉक्स भर के कोबलस्टोन थे, जितने मुझे ज़रूरत नहीं थी फिर भी हो गए थे, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे एक चेस्ट प्लेस करते हैं और यहाँ पे सारी की सारी इन्वेंट्री खाली कर देते हैं। क्या कचरा इन्वेंट्री में लेके घूम। अभी फटाफट से यहाँ 23 स्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं, तुम लोग भी लगा दो, मैं भी लगा देता हूँ। और अब यहाँ पे स्टोन्स लगाने, पहले एक स्टोन ब्रिक लगाना, उसके बाद 4 स्टोन्स लगाने, उसके बाद एक और स्टोन ब्रिक। अपन लोगों को यहाँ स्टोन ब्रिक को छोड़ के यहाँ पे लगानी है वुड, जहाँ तक अपन लोगों ने स्टोन ब्रिक्स को लगाए थे, तो फटाफट काफ़ी टाइम लगता है इसको लगाने में, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे फटाफट से लगा देते हैं, ये एक गलत लग गई, उसको भी निकाल देंगे यहाँ तक। ओके, लास्ट तक ये लग गई। एक बार फिर से अपन लोग को यहाँ पे लगा देना है स्टोन ब्रिक्स, और ये वुड ज़्यादा लग गई तो इसको निकाल के अपन लोग वो वाला स्टोन, उसका नाम क्या होता है मुझे नहीं पता, वो वाला लगा देते हैं। एक मिनट अभी आ जाएगा, जो भी नाम होता, रहने तो बहुत बड़ा है। और अभी यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ के फिर से अपन को वो गोल वाला ब्रेक लगाना है, गोल वाला ही ब्रेक है ना, 1 2 3 ब्लॉक छोड़ने के बाद फिर से लगाना और सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इस साइड बना देना जो कि मैं बना देता हूँ फटाफट। और अभी इन दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ये जो 3 ब्लॉक का गैप छोड़ा था, यहाँ पे अपन लोग ओक वुड प्लैंक्स लगा देते हैं। ओक वुड प्लैंक्स ही है ना कि कुछ और कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं लगा देता हूँ फटाफट से, फिल कर देते हैं। और अभी यहाँ पे अपन को एक प्लैंक नहीं, ओक वुड बोलते हैं इसको, ओक वुड लगानी है और इसके ऊपर डार्क ओक और इसके ऊपर फिर से ओक वुड, यहाँ पे फिर 3 ब्लॉक का गैप छोड़ना है, फिर यहाँ पे एक ओक वुड और इसके ऊपर फिर से डार्क ओक और इसके ऊपर फिर से लग जाए यार, फिर से ओक वुड। ऐसे ही अपन को हर जगह पे मतलब 3-3 का गैप छोड़ के लास्ट तक लगा देंगे, एकदम परफेक्टली आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग को चाहिए अब स्टेयर्स। पहले नॉर्मल ओक वुड की स्टेयर्स लगाएंगे नीचे साइड और उसके ऊपर लगाएंगे उल्टी डार्क ओक वुड की स्टेयर्स, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप भी लगा देना। और बस इसके ऊपर लगाने हैं आपको प्लैंक्स नॉर्मल ओक वुड के और यहाँ पे एक स्लैब। अभी अपन लोग को चाहिए डार्क ओक वुड जो कि अपन यहाँ पे लगाएंगे। पहले ये गलत है, ऐसे इस तरीके से लगानी है, मैं रखा दो जल्दी से ठीक, यहाँ पे क्राउच करके थोड़ा सा डाउन होके यहाँ पे लगा देंगे अपन लोग। अब इसके बाद डार्क ओक वुड से अपन को प्लेयर बनाने हैं, वो भी 3 हाइट के एकदम कॉर्नर पे बनाए, उसके बाद 3 ब्लॉक का गैप छोड़ेंगे, ये 1 2 और ये 3, अब यहाँ पे लगाएंगे फिर से प्लेयर के ऊपर प्लेयर बनाने अपन।
अब हम लोग को यहाँ से ये वुड निकाल लेनी है, ये वाली भी, और यहाँ पे डर्ट है ये भी निकाल लेनी है, 3 ब्लॉक्स 1 2 और ये 3 ब्लॉक्स। फिर यहाँ पे लगाना है एक स्टिकी पिस्टन और यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट, और वापस से अपनी वुड प्लेस कर देनी है। और अब हमें चाहिए लीवर जो कि अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे, और ये लीवर लग गया। अभी देखो ये काम क्या करेगा, इसको दबाएंगे ये वुड ऊपर, अरे यार ट्रैप डोर भूल गया। तो अभी यहाँ पे अपन लोग एक ट्रैप डोर और लगा देंगे, फिर इसके बाद अब देखो ये लीवर ऊपर आएगा। ठीक है ऐसे ही लगा देते हैं हर जगह पे। अब अपन को चाहिए बेड जो कि अपन लोग यहाँ पे डालेंगे और सो जाएंगे। ऊपर आने के बाद एक स्टेयर यहाँ पे, उसके बाद एक स्टेयर यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगाएंगे और एक इस साइड भी ट्रैप डोर लगाएंगे। फिर इसके बाद इन दोनों ट्रैप डोर को खोल देंगे। यहाँ पे डाउन साइड एक स्टेयर लगाएंगे और ऐसे ही यहाँ पीछे भी लगा देंगे एक डाउन साइड स्टेयर, थोड़ा सा इधर मुश्किल होगा लगाना पर लगा देंगे। और यहाँ पे फिर एक ट्रैप डोर लगाएंगे, पार्टर डाल दिया गलती से, तो यहाँ पे एक और ट्रैप डोर लगा देते हैं। बस ऐसे ही लगा देंगे हर जगह पे। अब अपन लोग को चाहिए स्टोन ब्रिक्स जो कि अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे राउंड शेप स्टोन ब्रिक के ऊपर। कितनी हाइट तक लगाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो बगल में प्लर से 2 ब्लॉक ऊपर तक लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ से MLG की तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बता रहा हूँ तुम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते मत करो, बस बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ये भी ठीक है। अब अपन को चाहिए फिर से प्लैंक्स, मैं थोड़े से कोबल स्टोन भी यूज़ कर लूँगा ताकि बुट कम यूज़ हो। फिर पहले तो अपन लोग यहाँ पे फुलफिल कर देंगे फर्स्ट फ्लोर तक, ये भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे। के बाद अपन लोग लगाएंगे यहाँ प्लैंक्स और यहाँ पे कोबल स्टोन ताकि प्लैंक कम यूज़ हो। फिर यहाँ डबल प्लैंक, यहाँ पे डबल प्लैंक, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, इसके ऊपर डबल डबल। और यहाँ पे लगा देंगे स्लैब्स ताकि वो लोग गुपचुप गुपचुप कर सके और ट्रेड अच्छी दें वो। अब अपन लोग स्टोन ब्रिक लगाएंगे पीछे की साइड, वो भी 3 हाइट तक। फिर यहाँ पे 2 हाइट तक प्लैंक लगाएंगे, फिल कर देंगे ऐसे ही पूरा लास्ट तक। अब अपन लोग फिर से स्टोन ब्रिक लेंगे, वो भी 3 हाइट तक फिर से लगा देंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद ये दोनों कॉर्नर को अपन को ज्वाइन कर देना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को। अरे यार मेरे से ही क्यों होता है ऐसा। फिर यहाँ पे भी लगा देंगे